This is the popular hack of many authors, many sportsmen. बहुत सारे लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम कोई न्यू हैबिट डेवलप करो तो कैसे करो, बॉडी सपोर्ट ही नहीं करती है। और एक बात बता दूं, ये आपका अकेले का प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है कि जब भी हमें कोई न्यू हैबिट अपने अंदर डेवलप करनी होती है, हमारी जो पुरानी फैमिलियर हैबिट्स होती हैं वो बार बार हमें पीछे पुल करती हैं और हम कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं उस नई हैबिट को अडॉप्ट करने के लिए। वैसे आपको जो भी नई हैबिट अपने अंदर डेवलप करनी होती है 21 डेज मिनिमम लेती है आपके अंदर सेटअप होने में, फैमिलियर होने में, और उसके बाद थोड़ा और, आई थिंक वैसे मैं 100 डेज देती हूँ किसी भी नई हैबिट को अपने अंदर डेवलप करने के लिए। और आज मैं आपको एक सिंपल सा हैक बताने वाली हूँ, सिर्फ एक सेंटेंस, जो आपको बहुत हेल्प करेगा ये नई हैबिट डेवलप करने में। वो क्या है? तो जब भी आप अपनी न्यू हैबिट को कर रहे होते हैं जिसको आपको अपने अंदर डेवलप करना है, लेकिन आप बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, उस वक्त क्या करें? उस वक्त जब आप वो चीज परफॉर्म कर रहे होते हैं और अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं, उस वक्त एक स्माइल करते हुए खुद से कहिए, ओ आई एम लाइकिंग इट, आई एम रियली एंजॉयिंग इट। ये एक सेंटेंस, हाँ सिर्फ ये एक सेंटेंस, और ये मेरा हैक नहीं है, दिस इज द पॉपुलर हैक ऑफ मेनी ऑथर्स, मेनी स्पोर्ट्समैन, और उन सभी का ये कहना है कि जब भी वो कोई न्यू हैबिट डेवलप कर रहे होते हैं वो सिर्फ एक सेंटेंस यूज करते हैं, एंड दैट इज आई एम लाइकिंग इट, आई एम एंजॉयिंग इट। इससे आपका ब्रेन को ये मैसेज मिलता है कि यू आर एक्चुअली लाइकिंग दैट एक्टिविटी, और वो उस हैबिट को डेवलप करने में आपकी हेल्प करता है। सो यू प्लीज ट्राई इट आउट एंड गिव मी द फीडबैक कि आपको कितनी हेल्प मिली। ये 21 डेज और 100 डेज तक जाने में आपकी हेल्प करेगा, और तब तक तो आदत डेवलप हो चुकी होगी। सो एंजॉय।